आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर हुआ प्रकरण दर्ज। दरअसल इंदौर के सांवेर थाने में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और सांवेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू सहित तीन कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। बता दें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन और कांग्रेस के मंत्री और कार्यकर्ता पर 100 से अधिक भीड़ इकट्ठा कर बर्थडे पार्टी मनाने पर केस दर्ज किया गया है। वर्तमान में सांवेर में विधानसभा चुनाव प्रचलित है, 29 तारीख से आचार संहिता लगी हुई है। अनुमतियां तो चुनाव आयोग की वैसे मान से अनुमतियां दी जा रही है, लेकिन पार्टी के लोग उसका वायलेशन कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। इस तरह की हमारी वीडियोग्राफी पार्टी, सर्विलेंस पार्टी, SST पार्टी लगी हुई है, जो अपने निरंतर काम कर रही है। जो भी अनैतिक आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद तो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से FIR दर्ज की है। पहले भी हम लोगों ने 2 FIR दर्ज किए हैं, उनमें अनुमति थी सोशल डिस्टेंसिंग अनुमति का उल्लंघन करते हुए। हमने कहा तो एक मामला विज्ञापन की